ऊंचाई पे हैं, काफी खूबसूरत गांव, काफी खूबसूरत गांव के साथ काफी खूबसूरत और पतली पतली रोड्स जिसमें हमारी फटी पड़ी थी, लिटरली फटी पड़ी थी। अगर ये ब्लॉग ऑनलाइन जाएगा तो आपको पता लगेगा कि कितनी फटी की बात कर रहे हैं। पहुंचे दिख रही भाई हमें पर इधर ये यार वॉकिंग होगा, ये वाले पहाड़ है ना, वॉकिंग पर परे है ना, परे है भाई, है तो वॉकिंग ट्रैक तो होना इसके लिए ना, बढ़िया वाला सेब के बगैर। वीडियो में शेक आ रहा है उसके लिए सॉरी, वी डोंट हैव अ प्रोफेशनल सेटअप बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू कैप्चर व्हाटएवर इज पॉसिबल। गाड़ी वाला रुक गया भाई हमारे लिए, भाई समझदार बंदा भाई तू, भाई तू ही है, तू ही है भाई, तू भाई, भाई तू कर ना कर, किसी की माँ की किसी की बहन की नहीं भाई तू ही बंदा सही है भाई, तू ही बढ़िया है भाई। और देखिए स्नो बाबा, रे क्या जगह है बाबा, बाबा बहुत ही बढ़िया जगह, खूबसूरत, आई कैन सी सम स्नो देयर but it was very hard to reach there, I guess. इस टाइम पे ना इतनी अच्छी लाइटिंग भी है ना कि वीडियो में भी बड़ा अच्छा कैप्चर हो रहा है, ये सब बहुत ही सुंदर है। पतला वाला रास्ता कहाँ गया, आ गया भाई साहब, सिर्फ एक गाड़ी के चलने का स्पेस, नॉट द प्लेस फॉर फेंट हार्टेड। घरी खाई है बॉडीगार्ड था क्या लिखा तो ऐसे ही है, बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड यार दोस्तों आना चाहिए तो आ सकता है, आंटी साहब ने सबके निकालने बना रही है, नीचे ऐसे बनाना इससे छोटे छोटे दिख रहे हैं लोग, बनाना इससे ठीक है, ये रोड का बन रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो नीचे का अभी जब तू मुड़ेगा तो अपने आप दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना रोड, दिख जाएगा अब, नहीं दिखेगा भाई रोड, अब दिख जाएगा, अब नहीं दिखेगा, अब जब तू ऐसे मुड़ेगा तो दिख जाएगा भाई, रास्ता आ गया ये रहा, इसको हल्का सा डाउन करेंगे सर, अगर वो रिक्वायर्ड भी है बूंदों की बांदी हो रही है, बर्फ की उम्मीद में गए थे पर कटवा के वापस आ गए, भाई साहब को बस ट्रक आ देना आगे से